बच्चों आगे चलते हैं। अभी तक हमने 20 सेंटेंसेस पढ़ लिया और याद भी कर लिए। अभी आपके सामने 21 यानी कि अगला दोबारा कोशिश करो। अक्सर आपके टीचर्स आपको बोलते होंगे, पेरेंट्स भी बोलते होंगे, बेटा दोबारा कोशिश करो, इस बार जो हुआ सो हुआ। तो क्या बोलेंगे? ट्राई अगेन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। नेक्स्ट आपके सामने क्या है? 22। क्या बोल रहे हैं? व्हाट हैपन, क्या हुआ? ध्यान देंगे, क्या हुआ, व्हाट हैपन। यदि ऐसा हो जाए कि क्या हो सकता है तो व्हाट कैन हैपन, सकता है में कैन लगाते हैं, What could happen, सकता था में could लगाते हैं। यदि ऐसा हो जाए क्या होगा तो what will happen, क्या हो जाएगा बेटा, what will happen। इस तरह से आप लोग इजीली याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने बेटा समय पर आना। बोलते हैं समय पर स्कूल आना, समय पर घर जाना, समय पर पहुंचना, समय पर ये करना। तो यहां कम ऑन टाइम, समय पर आना, कम ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब समय पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है तुम कैसे हो, अक्सर बोलते हैं तुम कैसे हो, तो हाउ आर यू, क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और यूज की जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, ऐसा भी हम बोलते हैं। बच्चे के सर पे लग गया, बेटा रोना नहीं, तो हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू का मतलब है आप कैसे हो, ये भी एक जैसे दोनों है, इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब भी ये होता है। हाउ डू यू डू तब बोला जाता है जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, और अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, हाउ आर यू बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आप पहली बार किसी से मिल रहे हो तो आप क्या बोलेंगे, हाउ डू यू डू, और यदि आप रोज किसी से मिल रहे हो तो हाउ आर यू। बात यहां क्लियर हुई? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, दोनों आपको याद हो गए होंगे। अगला आपके सामने है 25, ये देखिए। नेक्स्ट है देखिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अच्छा लिखना थोड़ा सा ऐसे, ये बेटा आपसे मिलकर अच्छा लगा अक्सर बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे बेटा, नाइस टू मीट यू, क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू। अच्छा ऐसे आ गया, आपसे बात करके अच्छा लगा, तो क्या हो जाएगा, नाइस टू टॉक यू, Nice to talk you, बस meet की जगह क्या हो जाएगा, talk आ जाएगा। बात ये समझ में आ रही है? Next आपके सामने 26, कोई जरूरत नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, ये काम करने की कोई जरूरत नहीं, अक्सर बोलने को देखने को मिल जाता है। तो no need to go there, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, no need to do this, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? No need to fight, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए बेटा, अगला है आपके सामने 27, क्या बोल रहा है, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, अक्सर बोलते हैं दफा हो जाओ, तो क्या बोलेंगे, गेट लॉस्ट, क्या बोलेंगे, गेट लॉस्ट, अक्सर बोला जाता होगा, अक्सर आपने सुना भी होगा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यहां से दफा हो जाओ, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। घर से दफा हो जाओ तो गेट लॉस्ट फ्रॉम हाउस, स्कूल से दफा हो जाओ तो गेट लॉस्ट फ्रॉम स्कूल, और कमरे से दफा हो जाओ, क्लास से दफा हो जाओ, तो भी आप बना सकते हो, अब तो बना ही सकते हो, गेट लॉस्ट फ्रॉम क्लास। अगला है आपके सामने 22, 28, बुरा मत मानना, तो नेवर माइंड, क्या बोलेंगे बेटा, नेवर माइंड, बुरा मत मानो यार, ठीक है। आगे अगला है आपके सामने 29, काफी है, हाँ यार बोलते हैं काफी है, काफी है तो इट इज इनफ, क्या बोलेंगे, इट इज इनफ, काफी है, बहुत है। नेक्स्ट है आपके सामने, क्या बोल रहे हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये रिपीट हो गया थोड़ा सा, यहां ऐसा कर लेते हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा, तो यहां नाइस टू टॉक यू, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है। तो आपको ये याद हो गए होंगे जितने भी मैंने अभी आपको करवाए, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने दोबारा ये वीडियो देख सकते हो, दोबारा क्लासेस ले सकते हो, यदि आपको याद नहीं हुआ है कॉपी में लिख लो, कहीं भी दिमाग पे छिपा लो, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको क्लास के बीच में बताया था कि हम कितने याद करेंगे बेटा, 500 ऐसे सेंटेंस याद करेंगे जो आपको रोजमर्रा में काम आएंगे बोलने में, और ये कौन याद करवाएगा, मैं याद करवाऊंगा, आपका टीचर।